नमस्कार। पाकिस्तान की हालत तो अब सबको पता है। इमरान खान साहब को मिल चुकी है बेल। 2 हफ्ते तक उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, वो जाएंगे वापस लाहौर, ऐसा पता चला है। बनीगला इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान में अब भी चल रहे हैं प्रोटेस्ट, पुलिस और इमरान खान साहब के सपोर्टर्स के बीच में क्लैश। लेकिन ये भी एक बड़ा इवेंट था। बड़ा इवेंट ऐसे था कि इमरान खान ने अपनी ताकत सबको दिखा दी और ये भी बता दिया कि मुझे छेड़ोगे तो आगे और भी बुरा हो सकता है। आर्मी में स्प्लिट दिख रहा है, बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर्स इमरान खान के साथ दिख रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ दिख रहे हैं, और साथ में एक स्प्लिट ये भी दिखा कि पब्लिक में कितनी सपोर्ट है। पब्लिक में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक मेजर तबका जो कि बाहर सड़कों पे था, वो इमरान खान को सपोर्ट करता है। ये पूरे स्प्लिट से क्या पता चलता है? और अब आगे अगले वो बोला जा रहा है कि अगले 48 घंटे बहुत बहुत सीरियस हैं। ये भी पता लग रहा है कि कैबिनेट ने बोला है कि इमरजेंसी लगा दी जाए, लेकिन कुछ लोग उसके लिए मना कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है फराज सईद साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और ये पहली नजर रखते हैं पाकिस्तान की हैपनिंग्स पे। फराज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। फराज साहब, पहली चीज कि क्या क्या सूरत हाल है इस समय पाकिस्तान का, और क्या क्या पोजीशन है इस समय, क्या इमरजेंसी लग सकती है? बहुत शुक्रिया रोहित, आपको अपने शो पे बुलाने का। मुझे सबसे पहले तो अभी मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट से स्टार्ट करता हूं कि अभी इमरान खान साहब को जो बेल मिली थी वो गालिबन दोपहर को मिली थी, और अभी रात हो गई है, और अभी इमरान खान साहब जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग से निकले हैं, क्योंकि कोई 1-2 घंटे पहले बहुत शदीद फायरिंग हुई थी, और 3 घंटे तक इमरान खान की बल्कि एक वीडियो भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको इनको कोई रीजन दिए बगैर वहां रखा गया है। फिर आईजी पुलिस जो इस्लामाबाद के हैं वो भी उन्होंने भी विजिट किया, तो काफी मखदूश हालात बनते जा रहे हैं। और अगले 2 दिन आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े इंपॉर्टेंट है 15 में, क्योंकि 14 को आपको याद होगा इलेक्शन होने थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अब 15 को देखते हैं क्या होता है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होनी है। आज जो आपने बताया कि कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, कैबिनेट मीटिंग के अंदर राणा सनाउल्लाह से थोड़ी एक छोटी सी गुफ्तगु हुई, उन्होंने कहा कि और मेरे एनालिसिस कंफर्म भी हो गया कि जो फजलुर रहमान हैं उनके जो बेटे हैं, उन जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी कैबिनेट के अंदर, जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने गालिबन ये तजवीज दी थी कि आपको इमरजेंसी लगानी है। और आप याद रखें कि पूरी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी एक सॉफ्ट कॉर्नर या न्यूट्रलिटी की जुमरे में आती थी, लेकिन फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के लीडर हैं वो मुसलसल तौर पर इमरान खान को बैन करने की ख्वाहिश करते हैं। वो मुसलसल इमरान खान को कहते हैं कि उनको बैन किया जाए, पब्लिक पॉपुलैरिटी नहीं है, और अभी भी उन्हीं की तरफ से इमरजेंसी की जो ऑप्शन है वो दी गई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीडीएम को हुकूमत से जरा अलहदा करके कहा कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और इसमें गवर्नमेंट का लाही अमल कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट को तजवीज देंगे, अगर गवर्नमेंट ऑन बोर्ड आती है तो ठीक है, वरना हम पीडीएम जमातें जो हैं जरूर इमरजेंसी भी लगवाना चाहते हैं। लग नहीं रही वैसे। राइट, पाकिस्तान में नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है और आपके नेट में थोड़ी प्रॉब्लम दिख भी रही है मुझे। अभी आपका ऑडियो भी चला गया था, वीडियो भी चला गया, बट स्टिल ये चीज कि इस समय भी इमरान खान क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हैं और नहीं है? नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, हाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग के अंदर थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग के अंदर थे, और अब वो वहां से रवाना हो चुके हैं। अभी देखते हैं कि वो उनका रास्ता किस तरफ है, बिकॉज उनका जो रूट था वो अनसिक्योर था, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग के बाहर बहुत शदीद फायरिंग की गई थी। और ये सोचना, अगर आप प्राइमा फैशी को देखें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो अभी तक सबसे सिक्योर और कवेटेड इलाका है, जहां पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, जहां पूरे मुल्क की नजरें मरकूज है, वहां सिक्योरिटी इतनी बीफ्ड अप है, रेंजर्स है, पाक आर्मी के दस्ते हैं, पुलिस है, और वहां से फायरिंग हो जाती है, तो हालात मखदूश हैं। लेकिन जहां आई इमरजेंसी की बात जो आपने की ना, वो इमरजेंसी लगती नहीं है, क्योंकि ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा पीडीएम की हुकूमत के अंदर, बिकॉज परफॉर्मेंस इनके पास है नहीं है। अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो जब ये अमल करेंगे ना, ये जनरल मुशारा वाला अमल है,
ये जब पाकिस्तान के अंदर जाबिर हुक्मरानी होती है, जब मार्शल लॉ लगते हैं और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या आर्मी के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो इमरजेंसी लगाते हैं और इमरजेंसी लगा के ये अदलिया को तहलील करते हैं, कानून को तहलील करते हैं, आइन को हटा देते हैं, आइन को तबाह कर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल से अपनी हिस्ट्री के अंदर एक और ये फेदर इन द कैप नहीं लेके जाएंगे इमरजेंसी वाला। तो ये तजवीज जरूर हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फजल रहमान की पार्टी के जो नुमाइंदे हैं पीडीएम के अंदर और कैबिनेट के अंदर, उन्होंने तजवीज जरूर दी होगी, वरना ये तजवीज काबिले कबूल किसी को भी नहीं होगी। राइट। और इस समय इमरान खान कहां है और क्या उसी तरीके का दंगा फसाद चल रहा है जिस तरीके का पहला हमने देखा था? नहीं, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे विजुअल्स मैंने भी देखे कि पिशावर के अंदर जहां कल तक हालात बहुत मखदूश थे, बहुत हालात खराब थे, अभी वहां जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की वीडियोस वायरल हो रही है कि वहां जो लोग कल तक एहतजाज कर रहे थे, जो लोग कल तक गोलियां चला रहे थे, आज वो वहीं बैठ के जश्न मना रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब अब खैर खैरियत से अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। और जो हालात खराब खराब है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से जो टॉप टियर लीडरशिप है, वो फवाद चौधरी हो, वो शाह महमूद कुरैशी हो, वो डॉक्टर जो डॉक्टर है आपकी क्या नाम है उनका, जो आपकी डॉक्टर जो पंजाब की उनकी जो हेड थी, उसके बाद हमाद अजहर, उसके बाद शीरी मजारी, ये सब अरेस्टेड हैं। अभी इनके ऊपर केस चलने हैं। अभी सिर्फ इमरान खान जो अकेले हैं वो अपने घर जाएंगे। ये तमाम सेंट्रल लीडरशिप जो है ये इनकी बिहाइंड द बार्स है और अभी देखना पड़ेगा कि वो जो हजारों लोगों को अरेस्ट किया हुआ है उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्योंकि मेरा एक बड़ा एक असूली मौकफ रहा है, जब ये कवानीन बन रहे थे, जब एंटी टेरर लॉज बने थे, आपको पता पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत बड़ी थी, पेशावर में 100-150 बच्चा मार दिया था उन्होंने, पाकिस्तान के जो फ्रंटियर्स थे, बल्कि फ्रंटियर के लाहौर तक जंग आ चुकी थी, 2005-8 की बात है, 2013 तक भी ये हालात इसी तरह खराब थे। तब कानून साजी की गई थी, इनफैक्ट तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी कानून साजी गई थी जहां एंटी टेरर लॉज बनाए गए थे। अब यही एंटी टेरर लॉज तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होने थे, स्पीडी ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, ये एंटी टेरर लॉज उनके खिलाफ इस्तेमाल करने थे जो दहशतगर्दी करते हैं। अब अलमिया ये है कि वही दहशतगर्दी वाले कवानीन पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो लोग अपने हकूक के लिए, फॉर इंस्टेंस अगर मैं जाता हूं और मीडिया की आजादी के लिए एहतजाज करता हूं माल रोड पे, तो मुझ पे भी दहशतगर्दी का इल्जाम लग जाएगा, मुझ पे भी इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस लग जाएगी और मुझे उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह हम तालिबान को ट्रीट करते थे। समझ नहीं आती कि पाकिस्तानियों से यह सवाल नहीं पूछा जा सकता कि दहशतगर्दों की तफरीक कैसे की जाए, क्योंकि हम लोगों ने दहशतगर्दी में अपने बच्चे भी खोए हैं, अपनी माएं, अपनी बहनें, अपने स्कूल के पूरी पूरी बिल्डिंग, लाहौर, कराची, बड़े बड़े मेगा शहरों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, इतनी हमने हॉरर्स देखे हैं पिछले 20 सालों के अंदर कि हमसे नहीं पूछा जा सकता कि दहशतगर्द इमरान खान है या दहशतगर्द जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद है या हमाद अजहर है, ये कि और लीडरशिप है। हमें मालूम है दहशतगर्द कौन है, हमें मालूम है कि हमारे बच्चों को किसने कत्ल किया, हमें मालूम है कि हमारे बड़ों बुजुर्गों मस्जिदों में हमले किसने किए, हमारी माइनॉरिटीज को किसने कत्ल किया, हमारे अंदर इंतजार किसने फैलाया। उसके बावजूद ये कवानीन जो है जिनको हम उस वक्त भी अपोज करते थे, हमने इनको कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये आपके ही खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और फिर वही हुआ। नवाज शरीफ की हुकूमत में 2013 के बाद 2018 के बीच में ये कानूनसाजी की गई, फिर 2018 के बाद इमरान खान की हुकूमत में कानून साजी की गई और आज ये सब खुद ही भुगत रहे हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान का कि जहां एंटी टेरर लॉज टेरर के खिलाफ कम और पॉलिटिशियंस जिन्होंने बनाए होते हैं उनके खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्या ये बोल सकते हैं कि आर्मी ने और गवर्नमेंट ने इमरान खान की पावर देख करके घुटने टेक दिए? देखिए ये जरूर है, मेरा ओपिनियन भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको देखा जाए कि अच्छा, तो मुझे लगता है कि जो इमरान जो पीडीएम की हुकूमती जमाते हैं उनका हो गया है श्रेक, उनके के अंदर कोई ताकत नहीं रही और उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इमरान खान से, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट
आज वो इलेक्शन होता है तो इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ आ जाते हैं। जिन इमरान खान को कहा जाता था कि ये सिलेक्टेड हैं, ये जनरल बाजवा को या जनरल वो जनरल पाशा आईएसआई के चीफ होया करते थे, ये उनके मरहूने मिन्नत आए हैं, तो इनसे डरने की जरूरत तो नहीं थी क्योंकि ये तो सिलेक्टेड थे। और अब सिलेक्टर चूंकि अगर इनके खिलाफ हो गए हैं तो इनकी सिलेक्शन से तो इश्यू होना नहीं चाहिए था क्योंकि सिलेक्टेड तो पीडीएम की जमाते हैं। लेकिन हो सकता है वो तब उसके, लेकिन देखिए सिलेक्शन भी ऐसे नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आप कल को एमपीएम को सिलेक्ट करके फिर वफाक की बड़ी मेजोरिटी जमात बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप पीपल्स पार्टी को उठा के या जेयूआईएफ को उठा के आप वफाक की पॉपुलर पार्टी बना दे। जो पॉपुलर होता है आप सिलेक्ट भी उसी को, ये हमने बच इंडिया की जो है वो मेजोरिटी पॉपुलर पार्टी है, आप या और कोई भी रीजनल पार्टी को उठा के पूरे फेडरल की पार्टी नहीं बना सकते, तो सिलेक्शन की भी एक हद होती है। आप ये नहीं, तो ये जो कहते हैं ना कि सिलेक्टेड सिलेक्टेड, वो सिलेक्शन हो सकते सही, थोड़ी बहुत उसमें जरूर एडिटिंग हुई होगी, बट सिलेक्शन जायज थी। और अब अगर वो सिलेक्शन खत्म भी हो गई है तो अब इलेक्शन से डर रहे हैं ये लोग। तो अब मुझे लगता है कि जो ही इन्होंने इमरान खान को अब जिस तरह से भी आकर इनका कि चूंकि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर हो सकता है तौहीन अदालत लगा दें पार्लियामेंट के ऊपर कैबिनेट के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि फौरन से पहले इमरान खान को अरेस्ट करा के तोशाखाना केस में इन्होंने इंडाइट कराया इमरान खान को, फर्द जुर्म आयद की। अभी वो बात की बात है कि इमरान खान के जो पेपर्स है इलेक्शन कमीशन में वो अभी विड्रॉ होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि इंडाइटमेंट तो हो गई है तो कानूनी चारा हुई, अब देखते हैं क्या होती है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। लेकिन उन्होंने अरेस्ट जिस तरह किया वो इलीगल था। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 घंटे का इंतजार किया 3 दिन पहले टू असेस कि इधर दी अरेस्ट वाज लीगल और इलीगल, और बाद 5 घंटे बाद आके फैसला आया कि वो लीगल था। उसके बाद 2 दिन बाद कल आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अरेस्ट जो था वो इलीगल था, वापस इस्लामाबाद हाईकोर्ट भेजा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इनको बेल दे दी। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन इतनी ओपन है कि अगर ब्रिगेडियर साहब का जीएचक्यू से कॉल आती है तो आपकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है। अगर आप क्योंकि देखें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी इंटरप्रिटेशन की और इस सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रिटेशन की, बट द वे ही वॉज अरेस्टेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब बंदा एक कोर्ट के प्रेमिसेस में अंदर जाके अपने आप को सरेंडर करता है, उसके बाद वो चाहे क्रिमिनल हो चाहे क्रिमिनल ना हो, चाहे अक्यूज हो चाहे उसके ऊपर आरोप लगे हो या चाहे आरोप साबित हो गए हो, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अदालत का मामला है, अदालत उसको अरेस्ट करवाएगी, अदालत उस पर फर्द जुर्म आयद करेगी या अदालत उसको बरी करेगी या उसको बेल करेगी। इमरान खान को जब इन्होंने जबरदस्ती अरेस्ट किया तो विजुअल्स जब सबके सामने आए तो गुस्सा पूरे पाकिस्तान में फैला। आम शहरी अब देखें मैं हमेशा ये कहता हूं कि फौज के अंदर न्यूट्रलिटी खत्म हो जाए हो गई होगी, जुडिशरी के अंदर न्यूट्रलिटी खत्म हो गई होगी। देखें पूरे दुनिया में, देखें हमारे मुल्क में फॉर इंस्टेंस अगर कोई पीटीआई का वोटर है तो पीटीआई का वोटर सिर्फ आम शहरी नहीं होता, पीटीआई का वोटर फौजी भी होता है, या पीएमएलएन का वोटर भी फौजी होते हैं, फौजियों ने भी किसी ना किसी को वोट देना है। जुडिशरी के अंदर भी जो सारी रैंक्स हैं उन्होंने भी किसी ना किसी को वोट देना है, आखिरकार वो सारे पाकिस्तानी शहरी हैं। अब वो पाकिस्तानी शहरी अपना ओपिनियन रखते हैं, वो चाहे उनका काम, देखिए मैं भी एक प्रोफेशनल हूं, मुझे जर्नलिस्ट के होने के तहत मुझे न्यूट्रल होना चाहिए, मुझे सवाल उठाने चाहिए, बट मेरी भी एक राय होती है कि मैंने फलां बंदे को वोट देना है फलां को नहीं देना, मेरी जज्बाती एसोसिएशन किसी से होती है। इंडिया के अंदर भी कुछ लोगों की जज्बाती एसोसिएशन एक पार्टी से होती है, किसी दूसरी पार्टी से होती है, हाँ आपके काम के अंदर वो असरअंदाज होती है, वो एक अलहदा सवाल है। तो इसी तरह जब देखा कि उनके लिए इस तरह से ग्रैब करके धक्के मार के पकड़ा गया, देखिए वो साबिक वजीर आजम थे, उनका इतना बड़ा स्टेचर है पाकिस्तान के अंदर, वो आप को उन्होंने तकरीबन 1.25 करोड़ वोट हासिल किया हुआ है, तकरीबन 3.5-4 करोड़ वोट है, उसमें से 1.25 करोड़ वोट उनका उन्होंने लिया था पिछले इलेक्शन के अंदर। उसके बाद वो पाकिस्तान के हीरो हैं, पिछले 25 सालों से कौम के हीरो को आपने 50 रेंजर्स के बंदे भेज के ग्रैब किया, नैब किया, धक्के मार के, उस बूढ़े 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 हो चुके हैं, वो कौम को हिट किया। देखिए मैं आपको चीज बताता हूं, अगर इन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो करके अगर अदालत उस दिन उनके अरेस्ट वारंट डिक्लेयर कर देते तो कहती कि जी हम आपको जो हम आपको रिलीफ नहीं दे रहे, तो अगर तरीके से लेके जाया जाता है एहतजाज होते, बट इतने गुस्से से इश्तियाल ना आता कौम के अंदर, क्योंकि अगर आपने उनके लीडर को धक्के दिए मारा और खतरा था कि आप उनको कत्ल कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की नैरेटिव बिल्ड करते रहे हैं
कि मुझे अगर इन्होंने एक दफा जेल में पकड़ लिया तो मेरे साथ हरासा हो, मुझे हरासा किया जाएगा, मुझे धक्के देंगे, मुझे कत्ल किया जा सकता है। तो आवाम गुस्से में थी, और जब गुस्से की लहर अक्रॉस द बोर्ड थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हो सकता फौज में ना, फौज में भी थी, पुलिस में भी थी, नैब में भी थी, और उसके बाद अदलिया के लोगों में भी होगी, आम आवाम में भी होगी। जो बंदा इतना पॉपुलर है तो वो उन अदारों में भी पॉपुलर होगा। तो देखिए, जिस तरह कोर कमांडर ने रिएक्ट ही नहीं किया, कोर कमांडर के घर के बाहर आप जाएं तो 20 से 25 फौजी खड़े होते हैं, उन 20 से 25 फौजी को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आप बाहर खड़े नहीं हो सकते। कोर कमांडर ने पब्लिक को कन्फ्रंट नहीं किया, फौज ने जनरली स्पीकिंग रेजिस्टेंस उस तरह से नहीं दिखाई, मतलब जितनी जिस तरह हमला किया अवाम ने, क्योंकि पीटीआई के जो लीडर हैं वो डायरेक्ट करते रहे थे कि जी उनकी तरफ जो सारे अटैक्स आ रहे हैं वो सियासतदानों की तरफ से नहीं बल्कि फौजी अफसरों की तरफ से आ रहे हैं, कोई ब्रिगेडियर है, कोई आईएसआई का चीफ है, कोई आर्मी चीफ है, उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं। तो जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनके जो लोअर कमांड भी थे उनको भी खतरा था कि अगर इसको मार दिया कैद के अंदर तो इट इज गोइंग टू ricochet to an extent that it to create an existential crisis for Pakistan in general, जिसकी वजह से अभी आपने देखा कि बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं कि लाहौर के कॉप्स कमांडर को फारिग कर दिया है, फिर के डीजी जो नैब है उनको फारिग कर दिया है, तकरीबन 26 अफसरों की मौतली की खबर आ रही है, अभी ISPR की भी लाइव आ रही है, उसमें आई एम श्योर उन्होंने कोई तरदीद की होगी इन खबरों की। तो बिल्कुल तरदीद की, बिल्कुल ISPR ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि किसी भी आर्मी में किसी ने भी रिजाइन नहीं किया है। उन्होंने ये बोला कि पूरी आर्मी जो है यूनाइटेड है अंडर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उन्होंने ये बोला है कि लीडरशिप हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, मार्शल लॉ का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला था, क्या सिचुएशन ऐसी आ गई कि आर्मी के डीजी ISPR को खुद आकर के बताना पड़ा कि आर्मी में कहीं स्प्लिट नहीं है? देखें देखें, अगर स्प्लिट होता भी तो क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट कहती कि हमारे अंदर स्प्लिट है और हम जो है फॉर अपनी स्पेस दे रहे हैं? अब ऐसा कोई भी नहीं कहता। बल्कि आज मैं सुबह एक शो में कह रहा था कि मुझसे पूछ रहे थे कि कोई डील तो नहीं हो गई, तो मैंने कहा अगर डील हुई होती तो आके कोई कहता नहीं है कि हमने डील की है। उन्होंने हमले उसी तरह करने हैं, लड़ाइयां उसी तरह से करनी है, और बिहाइंड द डोर जो डील्स हो रही होती हैं लोग उसको सामने नहीं दिखाते। एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वायरल हो रही थी आज ख्वाजा आसिफ की, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी एक जारहाना तौर पर वो एक स्पीच कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक उनका पीछे से ADC आता है और वो उनको देता है एक पर्ची, उसके बाद ख्वाजा साहब की जो हवा थोड़ी सी निकल जाती है और ख्वाजा साहब कहते हैं कि जरा आप मुझे बता दें कि सवालात क्या हैं आपकी। तो ख्वाजा साहब का पूरा नैरेटिव जो है वो तकरीबन हवा उसकी गुब्बारे से निकल जाती है। तो मसला ये है कि बिहाइंड द डोर्स ऑफ कोर्स आपकी व्हीलिंग एंड डीलिंग चलती रहती है, अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बिकॉज अगेन इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल क्राइसिस। यू कैन नॉट रिमूव इमरान खान फ्रॉम द सीन्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट 3 days अगो, बट द काइंड ऑफ पब्लिक रिएक्शन, देखें राणा सनाला कहते हैं कि 3 दिन 30-35 लोग हैं या 100 लोग हैं कुछ शहरों के अंदर, हमने उनको बस करना है, कोई मैसिव पब्लिक आउटपोर हुआ तो नहीं। पूरे 22-23 करोड़ के मुल्क के अंदर आपने इंटरनेट ब्लॉकेट कर दिया, इंटरनेट आउटेज कर दी, यूट्यूब फेसबुक ट्विटर लोगों को VPN यूज करने पड़े, 228 मिलियन रुपए के नुकसान हुए हमारी कंपनियों को डेली का, उसके अंदर 28 मिलियन का उसके अंदर टैक्स लॉस भी हुआ है, हालांकि हमें टैक्स की इस टाइम शदीद जरूरत है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। इतनी मैसिव आपने इंटरनेट बंद कर दिया, उस आपके ख्याल से ये 100 बंदों के लिए हुआ होगा, ये 200 बंदों के लिए हुआ होगा, हजारों, देखिए मैं लाखों का, मुझे मैंने लाखों का मजमा देखा ही नहीं क्योंकि ट्विटर नहीं था, आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने विजुअल्स नहीं दिखाए, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि टिकटॉक के ऊपर लोग दिखा रहे थे, टिकटॉक हैज बिकम एन अल्टरनेटिव इंजन ऑफ न्यूज, उसके अंदर मैसिव लोग थे, मैसिव पिशावर KPK के अंदर द तालिबान द पश्तूंस वर अनहैप्पी, और उसके बाद देखें हुआ क्या, हालात इतने खराब हो गए कि आज बलूचिस्तान के अंदर एक TTP की तरफ से एक कार्रवाई की गई जिसके अंदर रेंजर्स हमारे जो 2 FC के अहकार थे वो शहीद हो गए। तो देखिए ये मसले नहीं इस तरह हल किए जाते, आपको पता है एक तरफ TTP आगे पे आके बैठी है, तालिबान का रूल है आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, आपको इंटरनल क्राइसिस है, आप अवाम के साथ ही बिगाड़ सकते हैं, आप सियासत को नहीं खराब कर सकते, हमें इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज्यादा है, हमारी सिक्योरिटी क्राइसिस इतने ज्यादा है, और ये तीनों ये जो बहुत सारी क्राइसिस है ना, ये हमें मिलकर लड़ने चाहिए,
अवाम को आप अपने खिलाफ कर लेंगे, हजारों सिविलियंस आम स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या जो दूसरे जो डेली वेजर्स हैं, आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, वो पब्लिक आउटपुट दिखा रहे हैं। आप प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्टर्स समझिए, सिविलियन प्रोटेस्टर्स को उनके हकूक समझिए। पूरे मुझे लगता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक इशू रहा है, जब से अंग्रेज गए हैं ना, अंग्रेजों के जाने के बाद हमने अपनी प्रोटेस्टिंग पब्लिक को पब्लिक नहीं समझा, हमने उनको अपना नेशनल नहीं समझा, हमने हमेशा वो कवानीन इस्तेमाल किए जो अंग्रेजों ने अंग्रेज छोड़ के गए थे। हम आजाद ही नहीं है फुल फॉर्म। कभी भी देखा आपने जो नारे आपने देखी होगी, हम आज भी चाहे वो हिंदुस्तान हो, वो पाकिस्तान, वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, आज भी हम नारे लगाते हैं ये हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। ये आप देखा होगा कि आजादी के नारे आज भी लग रहे होते हैं, हमारे पास नए नारे ही नहीं है। वो आजादी इसलिए नहीं मिली क्योंकि आजादी हमारे हकूक की, हमारे हकूक थे कि हम फ्रीडम तरीके से रहे। अब अंग्रेजों ने बनाया था वो आईपीसी, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर हमारे भी है इंडियन पीनल कोड, वो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान पीनल कोड बन गया, आपका इंडियन पीनल कोड बन गया, और वो आईपीसी और पीपीसी आज भी हमारे मुल्कों में राइज है, जहां हम अंग्रेजों के बनाए। देखिए अंग्रेज का बनाया कानून था कि आपने लोकल जो अपराइजिंग होगी, लोकल पॉपुलेशन होगी, उसको सप्रेस करना है, उनकी वॉइसेस को मजल करना है। आप कैसे साहबियों को पकड़ सकते हैं? अभी देखें, और मजे की बात क्या है पता है, 144 दोनों साइड सेम काम करती है, 144 दोनों साइड सेम काम करती है, 377 दोनों साइड सेम काम करती है, 302 मर्डर की धारा दोनों साइड सेम काम करती है, दोनों साइड सेम है। मैं बताऊं कि आप अपने शहरियों पे गद्दारी का मुकदमा कैसे कर सकते हैं? गद्दारी मतलब, आप अगर मैं एक पाकिस्तानी हूं और मैं कह रहा हूं कि हुकूमत वक्त का जो लीडर है या जो काजी है उसका एहतसाब होना चाहिए, मैं गद्दारी मुल्क कैसे हो सकता हूं? आपने ये गद्दारियों का केसेस लगाया करते थे अंग्रेज, ये लगा, आपने देखा कि हिंदुस्तान की तारीख जो है जिसमें अनडिवाइडेड इंडिया था, उसके अंदर अंग्रेजों ने जो हमारे साथ बुरे हालात किए, जलियांवाला बाग किया, उन्होंने जो जो जिस तरह से हमारी हमारे पोएट्स को, फ्रीडम फाइटर्स को गद्दारियों के केस के अंदर कत्ल किया हुआ है, गद्दारियों के केसेस के अंदर मारा हुआ है उन्होंने, और आज हमारी हुकूमतें वक्त क्या करती हैं, अपने अपने हिसाब से नैरेटिव इस्तेमाल करती हैं, और जो भी अपोजिशन में होता है उनके खिलाफ गद्दारी के केसेस, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस, आप अपने अदीबों के खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस, आपके आपके जो शायर हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस होते हैं, तो ये बड़ा इल्मी है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। आप देखें बांग्लादेश के अंदर, मैं देख रहा था कि बांग्लादेश के अंदर पूरे उन्होंने जमात इस्लामी खत्म कर दी है, उन्होंने जमात इस्लामी के लीडर्स को हर दूसरे महीने सजाए मौत हो रही होती है। देयर इज नो राइट टू अपील, ऑल ऑफ दीज लॉज आर मेंट वर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, वी वर डिवाइडेड नाउ एंड दिस स्टिल द लॉज आर स्टिल इंप्लीमेंटेड। और यही नहीं है, तीनों हुकूमतें जो है, तीनों ये चारों म्यांमार मिला के सारी हुकूमतें एक ही कानून इस्तेमाल कर रही है, उनके बनाए हुए, कोई इसके बारे में। अच्छा, मुझे एक इशू भी है ना अपने सियासतदानों से, सियासतदान आपके मुल्क में भी और मेरे मुल्क में भी, जब भी ये इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स करते हैं, कभी इन्होंने कहा हुआ कि हम आजाद हम हकूक के कानून बनाएंगे? ना कभी लोग इनसे मानते हैं, ना ये लोगों से वादे करते हैं। आपसे वादा करेंगे कि जी हम आपको आटे की बोरी दे देंगे, आपसे वादा करेंगे आपकी गली की सड़क बना देंगे। हम ये इन्होंने अपनी अवाम को इतना लो लेवल पे ले आए हैं कि अवाम को बड़े बड़े चीजों का पता ही नहीं चलने देते, क्योंकि हम क्योंकि गुरबत बहुत ज्यादा है, भूख अफलास बहुत ज्यादा है, इंतशार इतना ज्यादा हो गया है कि हम लोग समझते हैं कि यही हमारे मसाइल का हल है। तो जब हम इनसे बाहर निकलते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा आपने हमें गद्दारी की केसेस। अब जो अदीब और जो शायर हैं वो थोड़े से गुर्बत से थोड़े से और निकल चुके होते हैं, वो जरा शऊर वाले लोग होते हैं, तो ये शऊर वाले लोगों को पकड़ लेते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान में नैब के केसेस आते हैं, कल शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम है, 3 साल बाद उनके और उनके बेटे जो पाकिस्तान के साबिक सीएम है, पंजाब के साबिक सीएम है हमजा शहबाज, उनको उन्होंने बरी कर दिया कि जी आपके खिलाफ हमें सबूत नहीं मिले। 3 साल उनके ऊपर केस चलता रहा, वो अदालतें भुगतते रहे, वापस आते रहे, क्योंकि इमरान खान हुकूमत में थे। और जब आज शहबाज शरीफ हुकूमत में है और वो शरीफ फैमिली खानदान हुकूमत में है, तो इमरान खान नैब के चक्कर में पड़ गए। तो ये अब हो सकता है कि मतलब वैसे ये कहते हैं कि जी नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, प्राइम मिनिस्टर की ओवरसी नहीं करते इसको, लेकिन प्राइमा फेशी एविडेंस है, वो तो यही बता रहे हैं हमें, इंडिकेट तो यही कर रहा है कि आपकी हुकूमत में जो भी अपोजिशन को आपने सप्रेस करना होता है, यू यूज दीज ड्रैकोनियन लॉज, यू यूज दीज लूपहोल्स इन योर लॉज टू अटेम्प्ट टू सबोटेज द ऑपोजिशन इन इट्स एंटायरिटी।
तो ये बड़ा एक इशू रहता है। मतलब मैं तो तब भी लिखा करता था इन सब लोगों के खिलाफ कि भाई आपने मीडिया के खिलाफ भी कानून बनाया, आपने ये एंटी टेरर लॉस भी बनाए, दिस विल इवेंचुअली हॉन्ट अस एंड वी आर फेसिंग ऑल दीज सिचुएशंस राइट नाउ। मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, हमजा अजहर, उन्होंने अभी भी ट्वीट किया है कि पुलिस ने उनकी बहन के घर को रेड किया है, और जो उनकी बहन का घर, जो कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर मोहम्मद बशारत राजा का भी घर है, वो उसको रेड किया है। उस समय औरतें और बच्चे ही थे, और उन्होंने दरवाजे तोड़ के फोन और लैपटॉप लेकर के वो चले गए हैं। उन्होंने परेशान किया है, उनकी सिस्टर का कोई रिलेशन नहीं था पॉलिटिक्स से, फिर भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है DGISPR, we will not forget it and I also condemn this। हमजा साहब क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और मेरे पुराने दोस्त हैं, ये ऐसी चीजें, ये भी पता लग रहा है कि आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स को उठा लिया गया था, आर्मी ऑफिसर्स को उठा लिया गया था, ये भी कहीं खबर कुछ कहीं कंफर्म हो रही है या कुछ ऐसा था क्या? देखे नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सुना, मैंने ऐसा देखा भी नहीं है। अब जाहिर है आपको पता है कि जब हालात इतने तश्वीशनाक हो तो चहमगोइयां तो होती हैं कि हो सकता है ये हो गया हो सकता है बिहाइंड द डोर्स ये हो गया हो, तो चहमगोइयां तो चलती रहती हैं और स्पेकुलेशन होती रहती है। लेकिन मैं सिर्फ उसी के ऊपर अपना ओपिनियन बनाता हूँ जो जरा स्पेकुलेशन के ऊपर जरा ट्राइकोटमी हो जाए ना, कि वो जो जरा आपको पता है हमें अपनी सहाफत के अंदर जरा हमें कोऑर्डिनेट करना होता है कि अच्छा उसके तीन एटलीस्ट सबूत हों हमारे पास, सोर्स हो, तब जाके हम खबर आगे देते, उसके बावजूद हम अनकन्फर्म सोर्सेस कहते हैं। तो इसके अंदर ये है कि हालात खराब हैं। मैं कहता हूं, मुझे सुबह सवाल किया गया कि इमरान खान को जी आर्मी में क्या स्प्लिट था, क्या ये जो ट्रांसफर की गई है कोर कमांडर लाहौर की कहीं और किसी और कोर कमांडर को लाहौर भेजा गया, क्या इससे पता लग रहा है कि आर्मी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? देखें एविडेंस जो है, अब मैं मतलब इतनी एक्सटेंट से तो नहीं कर सकता, आप इंडिया में बैठे हैं मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, तो हमारी डायनामिक्स में थोड़ा सा फर्क जरूर है। कल को मुझे उठा लेंगे, आपने कहने मेरा एक दोस्त होता था पाकिस्तान में, उसको उठा लिया गया, वो गायब हो गए, मैं बहुत कंडेम करता हूँ, कंडेमनेशन से ज्यादा मेरे पास होना नहीं है। नहीं नहीं लेकिन ठीक है, डोंट आंसर। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सिमरिंग डिसकंटेंट है कहीं पे, क्या अगले एक हफ्ते में फिर से ये तोड़फोड़ कर सकते हैं इमरान खान के लोग, या अब मैटर सॉल्व हो चुका है और हम फ्यूचर में अब वी लुक फॉरवर्ड टू पीस? देखिए सेविंग फेस आर बने सेव करना है। अब ये देखें जो फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के लीडर है, उन्होंने जो एक अनाउंसमेंट किया है कि वो धरना देंगे, वो एहतजाज करेंगे, वो एक तरह की लॉन्ग मार्च करेंगे, अपने केपीके से सारे जो उनके सपोर्टर्स हैं वो बुलाएंगे और वो एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सिर्फ फजलुर रहमान या पीडीएम की भी जो 11 जमातों में से 3 जमातों के लोग मैंने देखे थे वो पीछे खड़े हुए थे, जिनमें से कोई भी हुकूमत में या नेशनल असेंबली में नहीं बैठा होता। पीपल्स पीएमएलएन के नुमाइंदे मैंने उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखे। अब ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि उस दिन फैसला तो होना ही होना है, तो हम एहतजाज कर लेते हैं फेस सेव करने के लिए कि देखें हमने रेजिस्टेंस दिखाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है। देखें हुकूमत के पास ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है, अगर डिवाइड है तो डिवाइड ऑब्वियस है, क्योंकि अगेन हर बंदा जो है वो कह रहा है कि जो क्राइसिस इतना बड़ा है कि आप उसको मजीद ट्रिगर नहीं कर सकते, ठीक है। इमरान खान इज काइंड ऑफ अ पावर कैग और ही इज सिटिंग ऑन अ पावर कैग वेयर अ सिंगल फ्यूज दैट गोज शॉर्ट the entire thing will you know sort of get out of control. So one, because Imran Khan ko jis tarah relief kiya diya gaya, jis tarah Supreme Court ke jo chief justice unne kaha ke 30 minute ke andar Imran Khan sahab ko hazir kiya jaye, foran unko apni custody mein liya, aaj Islamabad High Court se bail mili, legal procedures karte rahe, aap unke upar cases kare waise to itne cases hone nahi chahiye, lekin mujhe lagta ye hai ki ab itna divide nahi aayega, itna intishar wali cheez nahi aayegi ab, lekin ye dekhna hai ki top tier jo leadership hai उसको वो किस तरह रिहा करते हैं, क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी चारा कोई होती है, क्योंकि अभी तक तो उनके लीडर इमरान खान के ऊपर सारी नजरें थी। अब नजरें आएंगी कि आपने फवाद चौधरी को छुड़वाना है, आपने शाह महमूद कुरैशी को छुड़वाना है, तो अगर वो आहिस्ता उनकी जो जमानतें हैं वो होती रही तो फिर मुझे लगता है कि हालात जो है वो थोड़े बहुत
स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, क्योंकि अगेन इस क्राइसिस के बाद 35 से 40 लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। देखिए सोल्जर जो होता है, जो पुलिस का एहलकार होता है, वो ऑर्डर ऑर्डर ले रहा होता है ना, आखिर वो भी अवाम का हिस्सा होता है, उसको भी उतनी ही गुर्बत महसूस होती है जो आम अवाम को महसूस होती है, उसको भी अपने लीडर, वो चाहे नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, इमरान खान को, उसको भी अपने लीडर से उतनी ही मोहब्बत होती है आम को होती है जो एहतजाज कर रही होती है। तो उसको भी डंडा मारने की जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो उसकी वर्दी की वजह से दिए जाते हैं, और उसको अपनी वर्दी का एहसास होता है या उसको अपनी ड्यूटी का एहसास होता है, अपनी तनख्वाह लेने का एहसास होता है। सो जब आप एक सोल्जर को, आम सोल्जर को कहते हैं कि डिवाइड एंड डिवाइड, तो होता है कभी ऐसा हुआ है कि हम यूनिटी, ये तो जो लोग कहते हैं ना यूनिटी होती है, कोई यूनिटी नहीं होती, ओपिनियन हमेशा डिवाइडेड रहते हैं। हाँ हाँ, आप कॉज के पीछे लड़ सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान की दिफा, हिंदुस्तान का दिफा, बांग्लादेश का दिफा, आप अपने मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम यूनिफाइड होती है। ऐसा नहीं होगा कि 5-50 लोगों का ग्रुप कहेगा कि जी हमने मुल्क का दिफा नहीं करना। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान डिफेंस, एवरीबडी विल फाइट, एवरी वुमन, चाइल्ड, एल्डर, एवरी सोल्जर विल फाइट टूगेदर टू डिफेंड दिस कंट्री, लाइक वी फॉट अगेंस्ट तालिबान, लाइक वी फॉट अगेंस्ट ऑल द टेररिस्ट। आई मीन पाकिस्तान के अंदर जो 70,000 जाने गई पिछले 15-20 सालों के अंदर, उसमें बच्चे, न्यू बॉर्न्स हॉस्पिटल में जो लोग थे, फौजी, आपकी हमने, हमारी फौज वाहिद फौज है जिसके अंदर है ऑन ड्यूटी जनरल, ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर, ऑन ड्यूटी कर्नल्स, ऑन ड्यूटी मेजर्स, हमारे यहाँ हम सबसे हाईएस्ट ऑफिसर जो है ना फर्टिलिटी रेट रही है कि जहां वो ऑपरेशन में होते थे और उनका और उनके ऊपर अटैक होता था और बेचारे शहीद हो गए, तो जनरल सर हमने गवाए अपने हाथों से, हमारे जनरल शहीद हुए हैं, हमारे कर्नल्स ब्रिगेडियर्स हमारे शहीद हुए हैं, तो हम उनको कैसे दोष दे सकते हैं? वो अपने मुल्क के लिए जाने देते थे, मुल्क के लिए कौन नहीं जान देगा? मुल्क के लिए आते हैं आज मेरे ख्याल से पूरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही सफ में होंगे, लेकिन जब हमारा अंदरूनी मामला आता है तो हम लड़ेंगे। आप एक घर में लड़ते हैं, एक घर में बहने भाई माँ वालदेन के साथ आपकी लड़ाई हो रही होती है कि जी हमें इतनी स्पेस चाहिए, हम, हमारा ये मैंडेट है, हमने इस तरह रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो इन फाइटिंग तो चलती रहती है। हाँ, इतनी फाइटिंग होगी कि इतना डिवीजन क्रिएट हो गया, दैट इज अ प्रॉब्लम जो पाकिस्तान इस फेस कर रहा है। लेकिन मेरे एक मानना ये कि ब्रीफ सी 75 साल की हिस्ट्री है, और आप देखिए अमरीका से हम अक्सर अपने कह रहे होते हैं कि जी अमरीका ने कितना अच्छा किया, उनको 250 साल, उसके अंदर भी सिविल वॉर आई, उसके अंदर भी क्या कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि इट विल इवॉल्व, बिकॉज अगेन पाकिस्तान का पूरी जो हिस्ट्री है इट हैज बीन मार्क्ड विद क्राइसिस। 1947 के बाद फॉरन हमने कितने बड़े इंडिया के साथ जंग ले ली, फिर उसके बाद 71 के अंदर पाकिस्तान 2 लाख हो गया पूरा एक हिस्सा। तो जब इस तरह की चीजें हो रही होती है एक जिस्म के साथ, पैरालिसिस तो होता है, तो पैरालिसिस के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता शिफायाब होते हैं ना। तो आई थिंक दिस इज ए स्टेज ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री वेयर इट विल सर्वाइव, इट विल कम आउट as strong, but we have to see when, because again it has been going on so far. We fought against terrorism, we fought against FATF, we fought against the world, and we're still surviving. So I think we will survive this crisis and issue and situation. I pray that, but let's hope so. क्या ये part 2 अब फिर से लाहौर में दिखेगा हमें, क्योंकि तेवर तो कम नहीं हुए हैं। इमरान खान अब भी उतने एग्रेसिव दिख रहे हैं जो जिस तरीके की एग्रेशन उन्होंने पहले दिखाई थी। क्या ये पार्ट 2 हमें अब फिर से लाहौर में सड़कों पे टायर जलते दिखेंगे या कुछ और घर जलते दिखेंगे? देखिए टेम्पर्स तो हाई है ना, टेम्पर्स तो हाई है, गोलियां लगी है, पुलिस वालों ने जारहाना रवैया अख्तियार किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जारहाना रवैया अख्तियार किया है, इन्होंने गोलियां मारी हैं, गोलियां वहां से भी चली हैं, गोलियां वहां से भी चली हैं, तो टेम्पर्स तो दोनों जगह से हाई हैं और टेम्पर्स को सेटल होने में टाइम लगेगा। आई डोंट थिंक पार्ट 2 होगा अगर इमरान खान को अरेस्ट इन्होंने ना किया, अरेस्ट किया तो होगा, बिकॉज अगेन देखें अभी आपने ट्वीट्स वगैरह देखे होंगे तो सब जो एंटी PTI लोग हैं वो ये इस चीज का दावा कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो रियासत से बड़ी रियासत बन गई है, कि इट्स नॉट इमरान खान, इट इज नॉट पाकिस्तान, इट इज इमरानिस्तान। तो पीपल आर कॉलिंग हिम इमरानिस्तान बिकॉज अगेन इमरान खान रियासत बन गए। पीपल्स पार्टी के भी मैं एक नुमाइंदे को देख रहा था, कायरा साहब हैं, वो कह रहे थे कि जिस तरह इमरान खान साहब को बुलाया और जिस तरह फॉरन रिलीफ दिया गया और जिस तरह उनको कहा कि आप हमारे पास बैठे, आप कौम के हीरो हैं, बहुत खुशी हुई चीफ जस्टिस का वो रेफरेंस दे रहे थे,
तो उससे अगर ओपोनेंट से पूछे तो वो तो कहेंगे कि इमरान खान जो है वो एक खुद एक रियासत है, एंड यू कैंट फाइट द स्टेट विद इन द स्टेट, ही हैज बिकम बिगर देन एवरी, बट उसकी रीजंस है आउट ऑफ 220-230 मिलियन, अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्ट हिम, हाउ कैन यू फाइट हिम, यू कैंट फाइट द मैन. अभी आप देखें इंडिया के अंदर जो बीजेपी के लीडर हैं, जो आपके वजीर आजम हैं, उनको जितना मर्जी राहुल गांधी बुरा कह ले, उनको जितना मर्जी रीजनल पार्टीज कह ले, उनकी तारीफ उठा ले, उनको कह दें कि जी वो करप्शन के साथ उनके आजकल बहुत चर्चा हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, वो पॉपुलर है. अब उनकी पॉपुलैरिटी को आप कम ही नहीं कर सकते, सब आप उनके ऊपर इल्जाम लगा लें, कितने भी इल्जाम लगा दें, वो ही इज पॉपुलर, ही इज पॉपुलर फॉर एनी सेंस एंड ही विल प्रिवेल. सो इमरान खान भी अगर पॉपुलर है तो ही इज पॉपुलर, यू कांट फाइट इट, यू कांट रिक्यूज इट बाय एनी वेज. आप उनके ऊपर केसेस करा लें. देखिए एक साल पहले जब आपने उनको डी सीट किया, लीगल तरीके से किया लेकिन इलीगल हरबों के साथ किया, तो जब आपने उनकी हुकूमत गिराई तो उसके तब जब उनकी हुकूमत गिराई तो आई एम श्योर उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है ना, जो यूएस के अंदर अक्सर वो अप्रूवल रेटिंग से चार्ट लगते हैं, पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है उनकी कोई 50% से गिर के 10% पे आ गई होगी. पीटीए के अपने वोटर उनको उनसे खुश नहीं थे, लेकिन आपने उनको निकाला, एक साल के अंदर उतनी उनकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, आपने एक साल के अंदर जो वो आपके ऊपर वापस आया, मैं पीडीएम जमातों की बात कर रहा हूं. So he has become powerful to an extent that they fear for their lives, they fear for their existence in the country because they have done so worse with them ki jab tak charter of democracy sign nahi hoti ye mamla aake nahi badhega padega kyunki agar PTI ne bhi wapas aake inke sath badle lene shuru kar diye kyunki unko pata hai ki humne inke sath bahut bura kiya 11 mai ke waqiat sabko baat yaad hai uske baad abhi bhi dekhe aapne उनके लीडर को धक्के मारे, उनके लीडर को अरेस्ट किया, उनके लीडर्स को गोलियां मारी, उनके कारकुनान को गोलियां मारी. तो अगर वो भी हुकूमत में आ गए और जिन जिन का वो नाम लेते रहे उन्होंने उनके ऊपर मुकदमात कर दिए और उनको सजाएं दिलवा दी, तो इनके लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो ये डेंजर है दोनों साइड पे कि या तो वो हमें मार देंगे या तो वो इनको मार देंगे. तो जो इतनी इतनी डिविजन क्रिएट हो गई है, इनको मिल बैठना पड़ेगा. देखिए जो रियासतें हैं वो ऐसे नहीं चल, रियासतों के अंदर जो सतून होते हैं, बड़े बड़े सतून हैं, इमरान खान भी एक बड़ा सतून है इस रियासत का, उनको बैठना पड़ेगा, उनको तहमुल मजाजी दिखानी पड़ेगी. इट इज नेवर अस वर्सेस देम. देखिए एक मुल्क के अंदर रहना है, इट इज अ होम वेयर पीपल मस्ट बी लिविंग पीसफुली, वी कांट फाइट विद ईच अदर. टू एन एक्सटेंट हम लड़ सकते हैं, बट आपको बैठना पड़ेगा, नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा. आपको अगर डील करनी है बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर भी डील करते हैं, बट यू हैव टू फॉरगिव ईच एंड अदर. वो क्या कहते हैं, forgive and forget, वो एक बड़ा ओल्ड मंत्र है. आपको forgive and forget अगर नहीं करेंगे, देखिए मैं कह रहा हूं कि उम्मीद है करनी चाहिए, बट ये मुझे लगता है कि नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे ना तो हम जो है डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं. राइट फराज साहब, फाइनली एक चीज जरूर बोलूंगा, एक चीज डेमोन्स्ट्रेट हुई है पिछले एक हफ्ते में, वो ये कि आर्मी से भिड़ कोई नहीं पाया था अब तक पाकिस्तान में, कोई पॉलिटिशियन नहीं भिड़ पाया था. ये पहला पॉलिटिशियन है जो आर्मी से भिड़ करके सेफली बाहर वापस आया है, जेल से बाहर वापस आया है, और कैसे भी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, कुछ भी किया हो, आर्मी भी इमरान खान को ज्यादा देर रखने के मूड में नहीं थी, आर्मी को छोड़ने में मजबूर कर दिया गया. आर्मी और गवर्नमेंट दोनों को घुटने टेकवा दिए इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं है. और आगे आने वाले टाइम पे आर्मी भी आर्मी है और गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट है, भूलते ही नहीं है, और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है. थैंक्स अ लॉट फराज साहब, अगर आपका कोई फाइनल कमेंट हो तो दे दीजिए. नहीं देखे रोहित, एक तो बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपने बुलाया, बड़ा मौका दिया मुझे आपसे बहुत ज्यादा बोलने का. फाइनल कमेंट क्या होगा, लड़ाई देखे जहां भी हो लड़ाई खराब होती है. वो क्या कहे, बचपन में हम कहा करते लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो. मसला ये है कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, लड़ाई कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई आपस में भी नहीं होनी चाहिए, और लड़ाई दो मुल्कों के बीच में भी नहीं होनी चाहिए. अमन होना चाहिए घर में भी, अमन होना चाहिए अपने पड़ोसियों के साथ भी, और एक नेशनल इंटरनेशनल सेंस प्रिवेल करनी चाहिए. जब तक वो नहीं करेगी हम सारे इसी तरह लड़ते रहेंगे, इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे, और हमारे मौशी हालात जो है ना वो इसी तरह सप्रेस होते जाएंगे. बिकॉज आई बिलीव दैट अ यूनिफाइड सब कॉन्टिनेंट इज अ थ्रेट टू द एंटायर वर्ल्ड, एंड द एंटायर वर्ल्ड विल नेवर अलाउ यूनिफाइड सब कॉन्टिनेंट. दैट इज व्हाट आई बिलीव. थैंक्स अ लॉट,
थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है कि हम एक बेटर सबकॉन्टिनेंट की ओर चल रहे हैं, और ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। रुपी एक नए लेवल पे पहुंचा है, अभी पहले ही एक प्रॉब्लम क्राइसिस सामने खड़ी थी, उसके बाद ये क्राइसिस, बहुत जरूरी नहीं था कि इमरान को अरेस्ट किया जाए। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की अपनी कुछ प्रोजेक्शन थी या अपनी कुछ डिमांड थी, और इमरान खान की अपनी थी। लेकिन इससे हुआ क्या है, पाकिस्तान और फर्दर क्राइसिस में घुसता दिख रहा है, और इंडिया का नेबरिंग कंट्री क्राइसिस में घुसता है, तो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम जरूर होती है। थैंक्स अ लॉट फराज साहब आप हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। अभी इसी के साथ जल्दी एक डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।